हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे करेंसी का एनालिसिस और वीकली रिपोर्ट। तो शुरू करते हैं यूरो के चार्ट से। तो यूरो आईएनआर लास्ट ट्रेडिंग सेशन 82.17 पे बंद हुआ है और ये ओटीसी रेट है। ये थोड़ा सा रेफरेंस रेट के जैसा है। ये फ्यूचर से थोड़ा सा कभी डिस्काउंट में रहता है, कभी प्रीमियम में रहता है। तो आपको ये जो लेवल्स है ये थोड़े से एडजस्ट करने पड़ेंगे करंटली फ्यूचर के साथ, मगर आपको इससे जो है तो एक ओवरऑल अंदाज़ा मिल जाएगा कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। तो 82.17 पे बंद हुआ है, लगभग 0.6% डाउन। अगर हम मंथली चार्ट पे देखेंगे तो लॉन्गर टर्म करेक्शन में है हम, जो है तो 79 के लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर 79 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो आपको यूरो जो है तो 71 तक भी जाता हुआ दिखेगा। तो एक डीपर करेक्शन के लिए जो है तो यूरो जा रहा है ऊपर की तरफ 84-85 के अराउंड जो है, तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है। उस लेवल पे आता है तो आपको शॉर्ट करना चाहिए यूरो विद अ स्टिक स्टॉप लॉस और एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म व्यू के व्यू से। यहाँ जो है तो आप देख सकते हो कि यूरो ने जो है तो लोअर टॉप लोअर बॉटम साइकिल कंटिन्यू किए हैं। यहाँ हमने एक बाउंस बैक देखा था लगभग 83-84 के अराउंड, वहाँ से फिर से फ्रेश सेलिंग आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले हफ्तों में आपको जो है तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म में 79 का लेवल जो है तो आते हुए दिखेगा यूरो पे। तो यहाँ मेरा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। आपको सेलिंग करने 83-84 के अराउंड, तो ये जोन में जो है तो यूरो में आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है विद अ मिनिमम 2-3 मंथ व्यू, और जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 79 का। अभी देखते डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे हमने 200 डेज का जो एवरेज था उसके तरफ एक बाउंस बैक किया था, वो जो है तो अभी वो खत्म हो चुका है। और यहाँ जो है तो फिर से यूरो नीचे जाने के लिए तैयार है। यहाँ जो है तो नीचे जो शॉर्ट टर्म टारगेट रहेंगे यूरो के लिए वो रहेगा पहला 81 रुपीज़ का, उसके बाद में 80 रुपीज़ 15 पैसे का, और लास्ट में जो है 79 का टारगेट मुझे लगता है इसी महीने हमें यूरो में आता हुआ दिखेगा। तो यूरो पे मेरा सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। आपको सेलिंग का जो जोन है यूरो में वो है 82.80 से लेकर 83.20 तक। तो ये 40 पैसे का रेंज है, इसमें शॉर्ट करना है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 83.65 के ऊपर रहेगा, और जो टारगेट रहेंगे पहला टारगेट 81, उसके बाद में 80 रुपीज़ 20 पैसे का या फिर 15 पैसे का दूसरा टारगेट, और फाइनल टारगेट जो रहेगा वो 79 के करीब रहेगा। और यहाँ यूरो जो है तो अगर 79 टूटता है तो आपको जो है तो लॉन्गर टर्म और एक शार्प पैनिक सेलिंग आ सकती है, जो यूरो को 71 रुपीज़ के लेवल की तरफ भी लेकर जा सकती है। और मुझे लगता है कि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो यूरो यहाँ बहुत ही कमज़ोर लग रहा है, और मुझे लगता है कि 79 के बाद हो सकता है कि हम फिर से जो हिस्टोरिकल लो थे 71 के वो यूरो में आते हुए देखेंगे। अभी देखते हैं पाउंड का चार्ट। पाउंड मंथली चार्ट पे करेक्टिव पैटर्न ये जा रहा है 93 के लेवल की तरफ, 93 के नीचे 87 का टारगेट। तो 93 और 87 ये दोनों टारगेट मुझे लगता है कि ये मीडियम टू लॉन्गर टर्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ सेलिंग करनी है आपको 98 के अराउंड, 98-99 के बीच में सेलिंग के मौके मिलेंगे। टारगेट 93 उसके बाद में 87 विद अ लॉन्गर टर्म व्यू। मीडियम टर्म व्यू जो है तो वीकली चार्ट पे यहाँ जो है तो मेजर ब्रेकडाउन दिख रहा है आपको। 200 वीक का जो एवरेज है वो तोड़ रहा है, तो यहाँ आपको फिर से नए जो पिछले महीने का लो था वो फिर से टच करते हुए दिखेगा। 94-93 के लेवल और उसके बाद में जो 87 के लेवल बताए थे वही टारगेट यहाँ भी आपको पकड़ चलने हैं। तो 93 और 87 के टारगेट एज पर वीकली चार्ट। ऑल्सो डेली चार्ट देखते हैं अभी। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे हमने अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखा, फिर वहाँ कंसोलिडेशन देखा, फिर बाउंस बैक देखा। अभी बाउंस बैक रिजेक्ट हो रहा है और फिर से एक फ्रेश सेलिंग आ रही है पाउंड में। तो आपको यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रखना चाहिए। आपके जो टारगेट बनते हैं पाउंड में शॉर्ट टर्म के लिए, पहला टारगेट 95 रुपीज़ 25 पैसे का, उसके बाद में 94-30 पैसे का, और उसके लास्ट में जो है तो 93 का टारगेट बनेगा। ऊपर की तरफ आपको सेल करना है 97 और 97.50 के बीच में। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 98-30 के ऊपर, और जो टारगेट बनेंगे पहला टारगेट 95 रुपीज़ 25 पैसा, उसके बाद में 94 रुपीज़ 30 पैसा, और लास्ट में जो है तो 93 का टारगेट आपको पाउंड में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ सेल ऑन राइज व्यू रहेगा। क्लियरली क्लियर कट तीनों चार्ट पे जो है तो पाउंड भी बहुत ही वीक दिख रहा है। अभी देखते एन। तो एन मंथली चार्ट पे आप देखोगे तो ये जा रहा है, अभी ये जा रहा है जो हिस्टोरिकल लो था पिछले
चला उसका 56 रुपये का लेवल, जैसे मैंने कहा था कि ये 56 रुपये तक जा सकता है, अगर उसको तोड़ता है तो आपको जो है तो 50 49 के लेवल भी एन में आते हुए दिखेंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये चार्ट है, हो सकता है कि हम जो है तो हिस्टोरिकल लो जो है उसकी तरफ जा रहे हैं। एन का हिस्टोरिकल लो था लगभग 33-34 रुपये का, तो वो भी लेवल इन लॉन्गर टर्म अगले 2 से 3 साल में एन में आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये गिर रहा है मुझे लगता है कि एक लॉन्गर टर्म बॉटम के लिए ये जा रहा है, जो शायद 35 रुपीज़ के अराउंड अभी देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जो मेरा टारगेट है वो 56 रुपीज़ का है, उसके नीचे जाता है तो 50 रुपीज़ का एक लॉन्ग टर्म टारगेट आपको एन में देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ जो है तो वीकली चार्ट पे सेम टारगेट रहेंगे, डेली चार्ट पे उसने लगभग सभी टारगेट अचीव कर लिए, मगर यहाँ जो है तो 56 और उसके बाद में 50 रुपीज़ का टारगेट आपको पकड़ के चलना है। और यहाँ जो है तो मोमेंटम बिल्डअप हो सकता है, जैसे ये 57 रुपीज़ के नीचे जाएगा आपको मोमेंटम बिल्डअप होते दिखेगा, और 56 और 50 के टारगेट जो है तो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे इसमें। यहाँ जो है तो अगर ये 57 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक बाउंस बैक मिलेगा जो 60 या 59 रुपीज़ तक आ सकता है, तो उन लेवल का वेट करना है फ्रेश शॉर्ट करने के लिए। आपको फिर से 56 और 50 के टारगेट जो है तो एन में दिखाई दे सकते हैं। अभी देखते हैं USD INR, तो USD INR जो है तो हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट था 78 रुपीज़ 70 पैसे का, उसकी तरफ बढ़ रहा है। आप मंथली चार्ट पे देख रहे हो कि लगभग ये छठा महीना है कि जिसमें USD INR पॉजिटिव गेन के साथ ट्रेड कर रहा है, और ये जा रहा है 78 रुपीज़ 70 पैसे के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टारगेट के ऊपर। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो आपको 81-82 के भी लेवल जो है तो पैनिक में आते हुए देखेंगे, और उसके बाद में फिर ये कूल ऑफ करेगा। करंटली आप कंजर्वेटिव ट्रेडर जो है या इन्वेस्टर 78 रुपीज़ 70 पैसे का टारगेट पकड़ के चलिए, उसके ऊपर 81-82 रुपीज़ के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। वीकली चार्ट पे भी वही टारगेट्स हैं। अभी देखते हैं डेली चार्ट, तो डेली चार्ट पे आप देखोगे यहाँ जो है तो हमने पिवट के ऊपर शुरुआत की है और मोमेंटम स्ट्रांग होने की वजह से वहीं से रिवर्सल आ गया। यहाँ हमने पहला टारगेट अचीव कर लिया, अभी जो नेक्स्ट टारगेट है वो 78 रुपीज़ 35 पैसे का है, और लास्ट में जो है तो 79 रुपीज़ का। तो इस महीने के लिए आप 78 रुपीज़ 35 पैसा ये पहला टारगेट पकड़िए, सेकंड टारगेट 79 रुपीज़ का, और जब तक ये 77-85 के ऊपर है आपको लॉन्ग व्यू रखना है। आपको पोजीशन 77-85 के अराउंड बनानी है, वहाँ से 10-20 पैसे का स्टॉप लॉस टारगेट 78 रुपीज़ 35 पैसा, और उसके बाद में जो है तो 79 के आपको लेवल्स आते हुए दिखेंगे। अगर मार्केट में बहुत ही पैनिक आता है, रॉट आता है और आउटफ्लो बढ़ जाता है FII का, तो आपको 81-82 के भी लेवल आते हुए दिखेंगे USD INR में, मगर वो सस्टेन नहीं होंगे। उन लेवल पे हम जो है तो एक परफेक्ट शॉर्ट बना सकते हैं, और करंटली भी आप जो है तो उस मोमेंटम में लॉन्ग बना के भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, मगर वो बहुत ही हाई रिस्क ट्रेड रहेगा। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है या फिर इन्वेस्टर है उनके लिए ये वो ट्रेड है। 81-82 के मेरे टारगेट है, अगर USD INR जो है तो 79 के ऊपर सस्टेन करता है वीकली बेसिस पे, तो आपको जो है तो मोमेंटम में शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेंगी, जो उसको 81-82 के लेवल पे लेकर जाएगी, जो और दिक्कतें बढ़ाएंगी इक्विटी मार्केट और बाकी डेप्थ मार्केट की। तो उसकी वजह से आपको जो है तो विशियस स्पाइरल मार्केट में आता हुआ दिखेगा, मार्जिन कॉल ट्रिगर होगी, बहुत गलत चीज़ें होंगी मार्केट में। तो उस ये जो है तो ये बहुत ही कठिन काल है मार्केट के लिए, सभी मार्केट के लिए, और उसके बाद में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा फिर कूल ऑफ हो जाए। तो करेंसी मार्केट में बहुत ही उठापटक तब है, यहाँ जो है तो ये रशियन वॉर की वजह से जो है तो डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है, और जो करेंसीज हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ड्रामेटिकली गिर रही है। यहाँ जो है तो डीग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको करेंसी में जो है तो बहुत ही उथल पुथल देखने को मिल जाएगी, वो ऑलरेडी हम चार्ट पे देख रहे हैं। जिस तरह से एन जो है तो हिस्टोरिक लो की तरफ जा रहा है, मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में ये जो है तो ये 35 का लेवल भी दिखा सकता है, अगर ये 50 के नीचे सस्टेन करता है तो। कम से कम 50 का लेवल तो मुझे आते हुए दिखता है इसी साल। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो करेंसी कॉल्स में, तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.